दे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से पानी की बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी की, और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आ रही है वहाँ पर और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। 2021 में अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड मुरादाबाद ने अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर को पत्र लिखा था कि 30 किलोमीटर की लंबाई में बंद तटबंध बनना है, उसके लिए 25 लाख रुपया जो है सर्वे की राशि अवमुक्त करने के लिए लिखा था, जिसके सापेक्ष में 10 लाख राशि अवमुक्त हो गई थी, जिसके सापेक्ष में 16 किलोमीटर का सर्वेक्षण हो चुका है, शेष 14 किलोमीटर बाकी है। 15 लाख की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो 15 लाख जो है अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए सर्वे का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जो जीत मिली है केवल इस उससे मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊंगा। इतनी खुल के बात जो है मैंने की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुई है। मेरा पूरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या सरकार सर्वे के लिए जो 15 लाख रुपए की राशि है, शेष राशि है, उसको मुक्त करेगी? दूसरा प्रश्न है, जहानाबाद से नारनौर तक जो 30 किलोमीटर का बंद है, ये सर्वे कराकर सरकार उस पर तटबंध बनाने का काम करेगी? ये मेरा दो प्रश्न है। ये जानकारियां तो बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो आपने जनरल जो किसानों के जलमग्न, आपने कोई पर्टिकुलरली जहां पर 25 लाख रुपए दिए गए हैं किसी पुल के लिए, वो अगर आप किया होता तो उसकी जानकारी होती। आपने जनरल एक प्रश्न, मैं आपका प्रश्न पढ़ता हूं, बरसात में गंगा नदी पर बाढ़ के किसानों की फसलें जलमग्न होकर खत्म हो गई, लेकिन आप यहां पर बता रहे हो कि एक किसी योजना के लिए 25 लाख रुपया दिया, यही कहा ना आपने, तो उस योजना का या तो इसमें लिखते, वो योजना तो सारी की सारी योजना माननीय मंत्री जी जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो जो जानकारी मांगी है उन्होंने आप बाद में दे दीजिएगा। माननीय मंत्री जी बताइए, माननीय मंत्री जी, नहीं ये प्रश्न से संबंधित, अगर आप देखिए आपने जो प्रश्न दिया है उससे आप संबंधित किसी स्थान के ऊपर कोई पुल या किसी विषय को लेकर आप उठाएंगे तो या तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करिए या पूरे प्रदेश में कहां का पुलिया बन रही है तो संभव नहीं है। माननीय मंत्री जी जानकारी हो तो बता दीजिए, नहीं तो लिख के भिजवा दीजिए। बहुत गंभीर समस्या है, आपकी समस्या के प्रति मैं नहीं कह रहा, बड़ी समस्या है, बुरी हालत आपकी समस्या से मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा है, वो आप लिख के दे तो मैं माफ टेबल कर देता हूँ आपकी, आप मुझे दे दीजिए उसका जवाब, मंत्री जी हो तो बता दीजिए, नहीं तो बाद में। ये गंभीर समस्या, आपकी समस्या आप मान रहे हैं लेकिन विषय ये है कि सारी आप पर पुल बनेगा, अगर जानकारी होगी तो बता देंगे। अब मैं आप ही की मदद कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके अगेंस्ट में नहीं हूँ। जितने भी हमारे तटबंध हैं, बिजनौर से बलिया तक लगभग 45 जो आवश्यकता अनुसार होता है, हमारे 45 तटबंध बने हुए हैं। बिजनौर में हमारे दोनों दाएं बाएं दोनों तटबंध हमारे बने हुए हैं। ये जो आप विषय एक व्यक्तिगत उठाए हैं वो लिख कर दे देना उसकी जानकारी, यदि नियमानुसार आवश्यकता है तो किसानों के हित में ही माननीय योगी सरकार निर्णय हमेशा लेती है, आगे भी लेते रहेंगे। श्री मुकेश जनपदों में आया जा रहा है क्यों? स्वामी जी आप बताइए, बताइए। मैं ये बात कहनी चाहूंगा, बताइए, कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूँ, इसलिए जो है काम 2 वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, स्टाफ का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्टाफ का मामला है। जल स्तर जब बढ़ता है, जल स्तर
अरे आप जल स्तर बढ़ने से, जल स्तर बढ़ता है तो जब फैलाव होता है, यदि नदियों को भी बांधते चलेंगे तो उसमें खतरा उत्पन्न, इसलिए नियमानुसार उसका जांच करवाया जाता है, फिर आवश्यकता अनुसार वहां तटबंध बनाए जाते हैं। यदि जल स्तर बढ़ता है, हमेशा डूब क्षेत्र रहा है, हर जगह देखेंगे डूब क्षेत्र रहा है, डूब क्षेत्रों में आप देखेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन डूब क्षेत्रों में लोगों ने कब्जा करते हुए, अब आदमी योगी सरकार आने के बाद 17 के बाद वह मकान बिल्डिंग ध्वस्त हो रहा है, जो लोगों ने वो बेच दिया था, तो डूब क्षेत्र गंगा जी चलेंगे तो थोड़ा फैला होता है, फिर भी हम बलिया तक हमारे जितने 45 तटबंध हैं वो सुरक्षित है। और बिजनौर में तो हमारे दाएं बाएं दोनों है, बाकी जनपदों में नहीं है। बिजनौर ये भी जो आप बोले आवश्यकता अनुसार एक बार लिख कर आप दे देना, मैं आपको यदि आप दे दीजिए लिख के, किसान के हित में जो निर्णय होगा आप करेंगे, आप लिख के दे दीजिएगा, मंत्री जी ने कहा आप लिख के दे दो करा देंगे बैठे। लेकिन ये बात अगर बाकी दूसरा कोई स्वामी जी आपको कहे कि आप स्वामी हो तो उसको नहीं मानोगे सिर्फ समाजवादी पार्टी के अलावा? अगर हम कहें आप स्वामी हो तो नहीं मानोगे?